उधर कर्नाटक में 40% करप्शन के नारे के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इसी हथियार को आजमाने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में बीजेपी ने अभी से करप्शन का शोर मचाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में अपनी सत्ता बरकरार रखने की खातिर जहां अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं के प्रचार प्रसार में मशगूल है, तो वहीं बीजेपी ने कर्नाटक से सबक लेते हुए राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की ठान ली है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया था। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ 40% कमीशन का नारा देकर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। लिहाजा अब बीजेपी ने भी राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए कोयला खरीद में गड़बड़ी, आईटी के ठेकों में भ्रष्टाचार और पेयजल प्रोजेक्ट में धांधली के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। सरकार के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो रहे हैं। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नाते जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता ये स्वीकार कर चुकी कि रिश्वत देने पड़ते हैं, और इसलिए जो भारत का करप्शन सर्वे है उसमें ये कहा जाता है कि 78% लोगों को यहाँ काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इंडिया का करप्शन सर्वे इसको प्रूव करता है। दूसरा एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो भी इस बात को पुख्ता करती कि राजस्थान इस समय जो उच्च भ्रष्टतम राज्य हैं उनमें से शुमार है। राजस्थान में लगभग पिछले कई अरसे से 1500 से भी ज़्यादा ऐसे मामले हैं जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। 500 एवरेज मामले प्रतिवर्ष होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि करप्शन राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है। और बदली हुई रणनीति के तहत राजस्थान बीजेपी की ओर से पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 3 दिनों में 2 बार ईडी दफ्तर में जाकर दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बिना सबूत के आरोप लगा रही है। सारे आरोपों को नकारता हूं, और बाकी उन्होंने आरोप दिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को दिए, वो जांच करें। हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें हमारा किसी भी एजेंसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी एजेंसी यहाँ पे आवे निष्पक्ष होकर काम करे, प्रेशर में काम नहीं करे। वो ये राय कि केंद्र सरकार के प्रेशर में सारी एजेंसियां आ रही हैं और उनके दबाव में काम कर रही हैं। अब सबकी नजरें 13 तारीख पर टिकी है, जब बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय का घेराव करेगी। हालांकि विधायकों के खिलाफ क्षेत्र की जनता में नाराजगी तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24।